वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार, जैसे कि आपको पता है, इंडिया में सूर्य अग्नि और MRIV जो मतलब मिसाइल्स वगैरह बन रहे हैं, उन पर मतलब अपडेट आई है न्यू। मतलब शायद इंडिया ने कुछ बोला है, इसके ऊपर क्या बोला है ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से मतलब आइडिया होगा। अग्नि सूर्य ये तो कभी कोई कहता कि बन चुके हैं, लेकिन कोई कहता है टेस्ट नहीं कर रहे। तो देखते हैं यार अपडेट इन पर क्या निकल के आई है। इंडिया कहीं टेस्ट करने लगा, क्या करने लगा ये देखेंगे तब पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का गाइज ये वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई देखते हैं यार क्या सीन हुआ है, क्या अपडेट आई है। बहुत ही खतरनाक किस्म के सारे मिसाइल हैं, और MIR भी वो जो मल्टीपल टारगेट्स वाली टेक्नोलॉजी होती है ना। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों मैंने आपको महीनों से अग्नि 6, इसके अलावा सूर्य मिसाइल और अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आज मैं आपको इन पर बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ कि ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा, कब तक बनकर तैयार होगा और भारत का असल प्लान है क्या। सब कुछ बहुत डिटेल से जानेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बेहद करीब हैं। आप में से जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अग्नि 6 के अपडेट पर। आप सभी लोग जानते हैं कि जब अग्नि 6 बनकर तैयार होगी तो ये भारत की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल होगी और सबसे ज़्यादा रेंज वाली होगी, यानी कि सबसे लंबी दूरी तक ये मार कर सकेगी। उदाहरण के लिए पूरा का पूरा चीन और पूरा यूरोप इसकी मारक क्षमता के अंदर आएगा, पूरा एशिया और आधे से ज़्यादा अफ्रीका के अंदर भी ये हमला कर सकेगी, और इसे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। लेकिन अब इस पर अपडेट ये है कि इसे बनने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। कारण है दो। पहला कारण है अग्नि 5 मिसाइल। दरअसल भारत जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसे हाल ही में भारत ने डिप्लॉय कर दिया है, उस मिसाइल का हम एक खास वेरिएंट तैयार कर रहे हैं, MIRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। और इसके बारे में मैंने कई बार आपको डिटेल से बताया हुआ है, एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि मिसाइल तो एक होगी, लेकिन उसके अंदर कई सारे वारहेड होंगे। वारहेड मतलब कि बम, विस्फोटक या फिर न्यूक्लियर बम। अब होगा क्या कि अग्नि 5 MIRV वाली वो पूरा वातावरण से बाहर जाएगी और वहां से जितने भी वारहेड हैं उन्हें रिलीज कर देगी। अब वारहेड की संख्या 5 से लेकर 12 के बीच हो सकती है, मान लीजिए 10 है, तो 10 के 10 वारहेड रिलीज हो जाएंगे हवा में। अब वो क्या हो सकते हैं कि आप उन्हें अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, आधे को आप पाकिस्तान की साइड भेज दीजिए, आधे को आप पूरब की तरफ चीन की तरफ टारगेट कर दीजिए, और इससे आप चीन के अलग अलग शहरों को भी टारगेट कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं, वो भी एक मिसाइल से। ये होती है MIRV कैपेबिलिटी। भारत इसी पर ध्यान दे रहा है और इसीलिए अग्नि 6 डिले हो सकती है। लेकिन मतलब बात है पहले ये सूर्य मिसाइल की, तो उसको भी बहुत लंबा समय लग सकता है। कारण है हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल DRDO का पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार कर लिया जाए, और इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा कट्टर दुश्मन है चीन, वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में भारत पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि तभी हम चीन के खिलाफ एक बड़ा डिटरेंस क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आज चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है तो भारत क्या करेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को तो आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। S-400 भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक सकता। ऐसे में हाइपरसोनिक का इलाज यही है कि आप खुद भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना लें, ताकि दुश्मन को डर रहे कि हमने इस पर हमला किया तो ये भी इससे ही हम पर हमला कर सकता है। और इसलिए भारत फिलहाल अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट और हाइपरसोनिक मिसाइल पर ही पूरा फोकस कर रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि भारत सारी मिसाइलें एक साथ क्यों नहीं बना लेता, तो देखिए ऐसा नहीं होता। कारण आप समझिए कि MIRV वाली भी और साथ ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में अगर DRDO का ध्यान चारों तरफ बट गया ना, इन्हें बनाने में सालों का डिले हो जाएगा, फिर भारत फंस जाएगा।
इसलिए भारत पूरा फोकस एक ही जगह पर बनाए हुए है। हालांकि भारत की इस रणनीति पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और फिलहाल मतलब देखा जाए तो अग्नि 5 चाइना के लिए काफी है, उसके MIRV टेक्नोलॉजी बन गई तो और फायदा हो जाएगा और बन रहा है और अनकरीब बनने वाली है। क्यों चाइना डरता है उसको पता है और ये बनने वाली है, मतलब वो क्या कहते हैं बिल्कुल एंड में प्रोसेस एंड में प्रोसेस MIRV टेक्नोलॉजी को मल्टीपल सिटीज को टारगेट बना सकते हैं। और सूर्य मिसाइल को कहा इसलिए थोड़ा रोक रहे हैं क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं इंडिया, ताकि यार देखो चाइना ने मतलब बना लिया समझो एक किस्म का, उसका रेडी हो गया। तो यार देखो कोई भी देश हो यार बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, 400 तोड़ने का सिस्टम को ना डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले वही उड़ाता है, वही उड़ाता है। मतलब डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए जाए तो उसके बाद कुछ डिफेंस सिस्टम क्या मतलब रडार में वो कुछ कर ही नहीं सकता डिफेंस सिस्टम उसके मामले में, तो इसलिए इंडिया उसके ऊपर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा है ताकि जल्द से जल्द वो बना ले और उसकी वजह से जो है ना अटैक जब दोबारा हम इंडिया अटैक किसी देश में करेगा तो वो उसको पता होगा कि अगर मैं करूंगा वो भी करेगा, दोनों के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सकेंगे। सही बात है, इसी वजह से इंडिया उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान इंडिया तेजी से उसकी तरफ ध्यान दे रहा है और देना भी चाहिए। हाइपरसोनिक आजकल की नीड है भाई, मतलब चुनिंदा अभी तक एक दो मतलब रशिया के पास ही है जरूर, अभी तक और किसी के पास नहीं है। रशिया अमेरिका इंडिया भी काम कर रहा है, अमेरिका बहुत इसमें पीछे है, 3-4 देशों के साथ मिलकर अभी काम कर रहा है, वो ऑकस कंट्रीज के साथ मिलकर कर रहा है, यूके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल वो इसमें बहुत ज्यादा पीछे है इस लैब से देखा जाए, इंडिया आगे है, चाइना आगे है अभी। और इंडिया मतलब इस तरीके से पहुंच चुका है ना, इंडिया बस तकरीबन 1-2 साल में इसका सफल परीक्षण भी कर देगा इंडिया, क्योंकि इंडिया इतने नजदीक इसके करीब पहुंच इंडिया पहुंच चुका है, चाइना पहुंच चुका है, ये दो कंट्री इस फिलहाल मतलब ये दो कंट्रीज है जिनके पास क्षमता है कि जल्दी ये हाइपरसोनिक बना ले। वाकई में, और जितना जल्दी जो भी कंट्री बनाएगा ना उतना ज्यादा जो है ना ज्यादा फायदा उस कंट्री के लिए होगा, तो इंडिया की कोशिश यार। और अग्नि देखो फिलहाल मतलब अग्नि 6 और सूर्य यार ये इंडिया टास्क करते करते ये इंडिया को जल्दी भी नहीं है इसको बनाने, इंडिया बनाएगा। अभी इंडिया का टारगेट अमेरिका यूरोप नहीं है, इंडिया का टारगेट सिर्फ चाइना है, मतलब जो ज्यादा दूर बनता है, तो मतलब उस लिहाज से इंडिया को इस चीज की जरूरत नहीं है फिलहाल। इंडिया को देखो जिस चीज की जरूरत है वो इंडिया सबसे पहले बना रहा है, चाहे छोटी से छोटी चीज हो बड़ी से बड़ी चीज हो, जिसकी इंडिया को जरूरत है वो पहले इंडिया बना रहा है, तो ये हमारे लिहाज से ठीक है। और अग्नि 6 और इन पे तो काम चल ही रहा है, चल ही रहा है। आप लोगों को इस सारे सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, इंडिया को पहले अग्नि 6 बनाना चाहिए, सूर्य बनाना चाहिए, ये जो इंडिया कर रहा है ये पहले बेटर है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।